हेलो दोस्तों, लग रहा है ना बर्गर एकदम टेम्पटिंग देखने में, और ट्रस्ट मी खाने में भी बहुत डिलीशियस है ये। तो चलिए बनाते हैं स्पाइसी पनीर बर्गर को। तो उसके लिए हम लेंगे एक बाउल, डालेंगे 1 कप फ्लावर। तो दोस्तों हम बना रहे हैं बर्गर की पनीर पेटी के लिए मैरिनेशन। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून गर्म मसाला। जब तक मसाले नहीं पड़ते ना दोस्तों मज़ा नहीं आता है। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे पिंच ब्लैक पेपर। हम इसमें डालेंगे जिंजर 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक 1 टीस्पून। आप इन दोनों को मिक्स करके साथ में भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून। दोस्तों ग्रीन चिली अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए तभी उसका फ्लेवर निकल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन। तो लेमन को अच्छी तरह स्क्वीज कर लेना, उसके बीज नहीं आने चाहिए इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट हो उस हिसाब से आपको डालना है। दोस्तों अब आती है मेहनत करने की बारी है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है। और हम इसमें वाटर डालेंगे धीरे धीरे, एक बारी में नहीं डालना है वरना लम्स आ जाएंगे। धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहना है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल ही गया, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, आपको कम से कम पानी का यूज़ करना है। मगर इसकी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये एकदम पानी की तरह हो जाएगा। हमें इसे सेमी लिक्विड फॉर्म में रखना है। तो ऐसे ही आपको मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है। दोस्तों हमारा मैरिनेशन का मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम थिक कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च। तो देगी मिर्च का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये कलरिंग के लिए होता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो दोस्तों हमारा मैरिनेशन का मसाला एकदम रेडी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही बनाना है आपको भी। तो अब आ गई है पनीर की बारी। हम इसे कट कर लेंगे 2 पार्ट में। आप देख सकते हैं इतनी थिक रखनी है आपको पनीर की एक स्लाइस। अब हम इसको डिप करेंगे मैरिनेशन के अंदर। तो ये देखिए मैंने इसे डिप करने के लिए डाल दिया है। बिल्कुल अच्छे से डिप करना है, सारी जगह से इसको कवर करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको पूरा अच्छे तरीके से डिप करना है इसको। दोस्तों मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पनीर की स्लाइस में अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया हमने। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कवर कर देंगे। दोस्तों ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बर्गर की पूरी रेसिपी के लिए, क्योंकि इसी से इसकी क्रिस्पीनेस आएगी। दोस्तों इसे अच्छे तरीके से हमें ब्रेड क्रम्स से कवर करना है। फिर उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब हमें करना है सबसे इम्पोर्टेंट काम, वो है बर्गर की सॉस बनाने का। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेम्पटिंग होनी चाहिए बर्गर की सॉस, तभी मज़ा आता है एक बर्गर खाने में। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप मेयोनेस। दोस्तों उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। दोस्तों ये जो सॉस बनने वाली है बहुत मज़ेदार। अब इसमें डालेंगे 1 टी स्पून गार्लिक। दोस्तों हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम इसका कलर चेंज हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए बिल्कुल थिक हो चुकी है हमारी कंसिस्टेंसी एकदम सॉस की। ये देखिए और कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। दोस्तों अब आती है फ्राई करने की बारी। तो हमने गर्मा गर्म तेल के अंदर अपनी पनीर पेटी डाल दी है। दोस्तों हमें इसे जब तक कुक करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। दोस्तों इसको सिर्फ 2 मिनट तक कुक करना है दोस्तों मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ये पेटी जल जाएगी। तो अब हमें करना है बर्गर को टोस्ट। तो पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, अच्छे से इसको पूरे पैन पर फैला देंगे दोस्तों। तो अब हम अपने बंस को टोस्ट कर लेंगे जिस पैन पर हमने बटर लगाया था। ये देख सकते हैं आप बंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से टोस्ट करना है। इसको ज़्यादा टोस्ट मत करना दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट तक इसको टोस्ट करना है। अगर आपसे ज़्यादा टोस्ट करेंगे तो ये जल जाएगा। तो दोस्तों इट टर्न्स टू असेंबल अ बर्गर। सो हमारे बंस रेडी हो चुके हैं, ये रखे हैं टोस्ट करने के बाद। और इस पर मैं लगाऊंगा बर्गर सॉस। बड़े प्यार से मैं बर्गर की सॉस को लगा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बर्गर का बंस जो है बिल्कुल कवर कर देना है सॉस लगा लगा के। ये
आप इसे कम भी लगा सकते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है बर्गर की सॉस, इसलिए मैं बर्गर की सॉस बहुत ज़्यादा डाल रहा हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियंस, इसकी जगह लेटस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लेटस पसंद नहीं है तो इसलिए मैं ऑनियन डाल रहा हूँ दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्लाइस ऑफ टमाटो। अब हम इसमें रख देंगे अपनी पनीर पेटी जो हमने फ्राई करी थी, ये देखिए, और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे दोस्तों। तो हमारा फाइनली पनीर बर्गर बनके एकदम रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, और खाने में तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।